नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाके ये कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या इनएक्टिव है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता होगा पैन कार्ड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। बहुत सी जगह फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। बिना पैन कार्ड के बहुत सी जगह ऐसे हैं जहां आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अलावा भी पैन कार्ड बहुत सी जगह यूज़ में आता है। बहुत सी जगह पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, विदाउट पैन कार्ड बहुत से काम नहीं होते हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए, और भी बहुत सारे काम है उसके लिए। और साथ ही साथ उसके साथ ये भी ज़रूरी है कि आपका पैन कार्ड एक्टिव होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर मान लिया आपका पास पैन कार्ड है आपके पास, लेकिन अगर वो पैन कार्ड इनएक्टिव है तो फिर उस पैन कार्ड का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको बहुत से जगह प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, यानी कि समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप पहले ये चेक कर लें कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या इनएक्टिव है। इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाके अगर आपका पैन कार्ड एक्टिव है तो ठीक है, आपको कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका पैन कार्ड एक्टिव रहेगा तो कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने में या बहुत से कामों में आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आपका पैन कार्ड एक्टिव है तो। और अगर आपका पैन कार्ड इनएक्टिव है तो आपको बहुत सी जगह प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप चेक करेंगे कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या इनएक्टिव है। ठीक है, उसके बाद सेकंड चीज़ मैं बताऊंगा कि अगर आपका पैन कार्ड इनएक्टिव है तो उसको एक्टिव कैसे किया जाए, उसका क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, पूरा बताऊँगा। तो सबसे पहले चलिए आपको बताते हैं कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या इनएक्टिव है, चेक करने के लिए को क्या करना होगा। देखिए, सबसे पहले आपको इनकम टैक्स ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है जिसका एड्रेस देखिए मैंने ऊपर टाइप करके रखा हुआ है, www.incometax.gov.in। ठीक है दोस्तों, ये है एक नया पोर्टल है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया है। अब जो भी इनकम टैक्स से रिलेटेड काम है आपको इसी पोर्टल पर जाके करना होगा। तो मैंने आपको दिखा दिया, पोर्टल का एड्रेस है www.incometax.gov.in। चलिए पोर्टल पर चलते हैं, उसके बाद आगे आपको दिखाते हैं। तो मैं क्लिक करता हूँ और जो इनकम टैक्स का नया पोर्टल है उस पोर्टल पर जाता हूँ। तो मैंने क्लिक किया, अभी पोर्टल अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है इसलिए थोड़ा स्लो है। तो देखिए पोर्टल है, ये देखिए लिखा हुआ है पोर्टल का, ई फाइलिंग 2.0। ठीक है, ये पोर्टल है। तो इस पोर्टल को चलिए हम डेस्कटॉप वर्जन कर देते हैं, क्योंकि मैं आपको ये मोबाइल से दिखा रहा हूँ, तो डेस्कटॉप वर्जन कर देंगे तो और बेटर दिखेगा। तो डेस्कटॉप वर्जन मैंने कर दिया। देखिए यही वो पोर्टल है, पोर्टल का देखिए होम पेज कुछ इस तरह का ही है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और इसके ऊपर में लिखा भी हुआ है पोर्टल का नाम। और इसके अलावा चलिए अब नीचे आप देखते हैं, इस पोर्टल में देखिए एक चीज़ नोटिस करिए, एक जगह लिखा हुआ आवर सर्विसेज। अब इसके अंडर में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, यानी मेनूज़ हैं, जैसे कि ई वेरीफाई, इनकम टैक्स, लिंक आधार, वेरीफाई योर पैन। ठीक है, इस तरह से कई सारे ऑप्शंस हैं। इसके अलावा भी देखिए लिंक आधार, नो योर आधार पैन, उसके बाद है नो टैन, ई पे टैक्स, टैक्स, इस तरह से काफ़ी सारे इसके अंडर में और सर्विसेज के अंडर में ऑप्शंस हैं, यानी मेनूज है। तो हमें जो मेनू क्लिक करना है वो है वेरीफाई योर पैन। देखिए ये वेरीफाई योर पैन, क्योंकि हमारा उनको पैन कार्ड चेक करना है कि पैन कार्ड एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ ये ऑप्शन,
ताकि आपको कोई गलती ना हो। वेरीफाई योर पैन, ये क्लियरली लिखा हुआ है, वेरीफाई योर पैन, इसके नीचे में लिखा हुआ है इंश्योर योर पैन डिटेल्स, इंश्योर योर पैन डिटेल्स। चलिए अब इस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्लिक करके फिर आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। वेरीफाई योर पैन पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब एक पेज खुल के आएगा। तो जैसा कि मैंने दोस्तों कहा कि ये पोर्टल रिसेंटली लॉन्च हुआ है, इसलिए थोड़ा स्लो है, थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लग रहा है। तो देखिए अभी आ गया खुल के वेरीफाई योर पैन, आपको क्लियरली दिख रहा होगा वेरीफाई योर पैन, ठीक है। ऊपर आपको प्रोसेस दिखा रहा है, एंटर डिटेल्स वेरिफिकेशन पैन स्टेटस, तीन स्टेप है, तीन स्टेप में कंप्लीट होता है। तो ये वेरीफाई योर पैन है, आपको क्या करना है पहले देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ आपको अपना पैन नंबर देना है, जैसा कि लिखा हुआ है पैन, यहाँ आपको अपना फुल नेम देना है इस बॉक्स के अंदर, यहाँ आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करना है और यहाँ आपको मोबाइल नंबर देना है, ठीक है। थोड़ा जूम करके और अच्छा से आपको दिखाते हैं, वेरीफाई योर पैन लिखा हुआ है, ठीक है, वेरीफाई योर पैन ऊपर लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको पैन नंबर मांग रहा है इस बॉक्स के अंदर, इस बॉक्स के अंदर फुल नेम, इस बॉक्स के अंदर आपको डेट ऑफ बर्थ, देखिए लिखा हुआ डेट ऑफ बर्थ, यहाँ डेट ऑफ बर्थ आपको इस पर क्लिक करके सिलेक्ट करना है और यहाँ मोबाइल नंबर देना है। यानी कि यहाँ आपको चार चीज़ देना है, पैन नंबर, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर। ये देने के बाद इसके बगल में देखिए कंटिन्यू ऑप्शन मिलेगा, कंटिन्यू, इस कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको आपका पैन का जो भी डिटेल्स है, यानी कि आपका पैन एक्टिव है या इनएक्टिव है, दिखा देगा। तो चलिए सबसे पहले मैं ये डिटेल्स जो चार चीज़ मांगा जा रहा है, मैं सबसे पहले इसको फिल करता हूँ, पैन, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, उसके बाद आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों मैंने चारों चीज़ फिल कर दिया है, पैन नंबर, फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ठीक है। अब फिल करने के बाद अब हमें सबमिट जो ऑप्शन है उस पर हमें क्लिक करना पड़ेगा। देखिए इधर सबमिट यानी कि कंटिन्यू जो ऑप्शन है इस पर हमें क्लिक करना पड़ेगा। कंटिन्यू ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, कंटिन्यू। अब कंटिन्यू पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपने जो मोबाइल नंबर अभी एंटर किया है उस मोबाइल पे एक OTP जाएगा, यानी कि वन टाइम पासवर्ड जाएगा, ठीक है। देखिए तो थोड़ा टाइम लग सकता है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये पोर्टल नया लॉन्च किया गया है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये नया पोर्टल लॉन्च किया है, तो अभी स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्लो है, ठीक है। तो ये लोडिंग दिखा रहा है, अब देखिए आगे आपका मोबाइल में एक OTP जाएगा, थोड़ा आप वेट करिएगा क्योंकि साइट बहुत ही स्लो है। नया नया कोई भी पोर्टल लॉन्च किया जाता है तो उसमें देखिए अब मेरे मोबाइल में OTP आ चुका है। और देखिए OTP आने के बाद देखिए यहाँ पर OTP मांगा जा रहा है, देखिए लिखा हुआ OTP और 1 2 3 4 5 6 बॉक्स बना हुआ, यानी कि 6 डिजिट का OTP भेजा गया है, ठीक है। तो अब ये OTP हमको डालना है, चलिए डाल देते हैं अपना OTP जो भेजा गया है मेरे मोबाइल पे, 8 5 8 के बाद 5, उसके बाद 0, फिर 186, 186, तो मैंने डाल दिया। अब डालने के बाद देखिए दोस्तों वैलिडेट ऑप्शन है, देखिए ज़रा ये करता हूँ, तो ये मैंने OTP अब डाल दिया, अब यहाँ वैलिडेट ऑप्शन है, बस इस पर क्लिक करना है
तो दिखा देगा मेरा पैन कार्ड का स्टेटस। मैंने वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद क्या स्टेटस दिखा, देखिए आ गया स्टेटस, वेरीफाई योर पैन, पैन इज एक्टिव एंड डिटेल्स आर एस पर पैन, यानी कि पैन कार्ड एक्टिव है और डिटेल्स जो है एस पर पैन है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने पैन कार्ड का देख सकते हैं कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या इनएक्टिव है। तो यहाँ दिखा रहा है पैन इज एक्टिव एंड डिटेल्स आर एस पर पैन। और बहुत से जगह में बहुत सब लोगों के साथ ऐसा होता है कि दिखाता है पैन इज एक्टिव बट डिटेल्स आर नॉट मैच या नॉट मैचिंग, इस तरह दिखाता है। तो ये सब क्या, क्यों, किस लिए ये दिखा रहा है, दिखाता है कि पैन इज एक्टिव बट डिटेल्स आर नॉट मैचिंग। ये चीज़ बहुत से लोगों के साथ ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है लोगों को। तो मैं आगे स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि अगर इस तरह का प्रॉब्लम है कि पैन कार्ड इनएक्टिव है या पैन कार्ड एक्टिव है और आपको दिखा रहा है कि आपका जो डिटेल्स है वो मिसमैच है, ठीक है, यानी मैच नहीं कर रहा है, तो क्यों हो रहा है, इसका क्या कारण है, इसका क्या सॉल्यूशन है, तो सब कुछ मैं आगे बताऊंगा। तो अभी इसमें मैंने यहाँ तक ये बताया कि आप अपना पैन कार्ड एक्टिव है या इनएक्टिव है कैसे चेक कर सकते हैं। तो आगे मैं आगे जो भी चीज़ है मैंने बोला है वो मैं आगे आपको बताऊँगा। अब जो है बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या हो रही है कि वे जब इनकम टैक्स के डाटाबेस में जाके अपना पैन कार्ड का स्टेटस चेक कर रहे हैं तो वहाँ पर उनको दिखाई दे रहा है पैन एक्टिव बट डिटेल्स आर नॉट मैचिंग। इसका मतलब क्या है, मींस पैन कार्ड इज एक्टिव बट पैन कार्ड डिटेल्स आर नॉट मैचिंग विथ इनकम टैक्स डाटाबेस। मतलब यह है कि पैन कार्ड तो एक्टिव है, आप इनकम टैक्स के डाटाबेस पर चेक कर रहे हैं तो वहाँ पर दिख रहा है पैन कार्ड एक्टिव है, लेकिन इनकम टैक्स के डाटाबेस में जो पैन कार्ड का डिटेल्स है वो आपके पैन कार्ड से मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर जैसे कि आपका नाम हुआ या नाम का स्पेलिंग कुछ डिफर है, या नाम डिफर है या नाम का कोई स्पेलिंग डिफर है या सरनेम डिफर है या डेट ऑफ बर्थ कुछ डिफर है या आपका फादर्स नेम कुछ डिफर है, कहीं ना कहीं कोई स्पेलिंग या कुछ ना कुछ डिफर है जिसके कारण ये प्रॉब्लम अराइज होता है इनकम टैक्स का डाटाबेस में और आपका पैन में जो डिटेल्स है वो मैच नहीं करता है। तो इसी कारण से ये प्रॉब्लम दिखाई देता है लोगों को। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको पॉइंट आउट किया है। There can be two reason for this. First, PAN card data not matching with income tax database. जैसा कि मैंने बताया कि PAN card का जो data है income tax के database के साथ match नहीं कर रहा है। उसमें हो सकता है कि आपका नाम का spelling में कुछ differ हो या आपका date of birth कुछ differ हो या हो सकता है आपका father's name में कुछ differ हो, तो इस तरह का problem हो सकता है। Second क्या हो सकता है, देखिए second ये हो सकता है कि एक से ज़्यादा पैन नंबर्स हो, कई बार लोग क्या करते हैं गलती से एक से ज़्यादा पैन नंबर बनवा लेते हैं, तो एक से ज़्यादा अगर पैन नंबर है तो उस समय भी इस तरह का प्रॉब्लम अराइज होता है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन यह है कि आपको अगर इस तरह का दिखाई दे रहे हैं तो आप NSDL में अपना जो है पैन करेक्शन के लिए अप्लाई कर दें, यानी कि आपका इनकम टैक्स के डाटाबेस में जो भी है एज वन वैसा ही आप पैन कार्ड में करेक्शन के लिए अप्लाई कर दे कि जो डाटाबेस में है सेम चीज़ आपके पैन में हो जाना चाहिए, इसलिए NSDL में या UTIITSL में अप्लाई कर दें। आइदर दूसरा ऑप्शन है कि आप जो है अपने इनकम टैक्स का जो कंसर्न डिपार्टमेंट है जो आपका असेसिंग ऑफिसर है उनसे आप कांटेक्ट करें, उन्हें आप रिटर्न ये प्रॉब्लम बताएँ, तो ये एक दूसरा सोल्यूशन है। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर एक से ज़्यादा पैन नंबर्स है तो उस सिचुएशन में क्या करना है कि एडिशनल जितने भी पैन कार्ड है एक दो तीन जो भी है आपको जो पैन रखना है वो रखे और एडिशनल जो पैन कार्ड है उसको पहले सबसे पहले सरेंडर कर दें, और सरेंडर करने के बाद में फिर से इसको NSDL में फिर से इसमें देखिए इनकम टैक्स के डाटाबेस और आपका पैन का डाटाबेस में क्या मिसमैच है, अगर कुछ डिफर है तो NSDL में फिर से पैन करेक्शन के लिए अप्लाई कर दें। तो ये हुआ सॉल्यूशन, भी मैंने बता दिया।
ठीक है। इसके अलावा अगर कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा, मैं आपको गाइड करूँगा, मैं पूरा कोशिश करूँगा आपको प्रॉपर गाइड करने का। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन यानी कि उसकी सूचना आपको मिल जाए। तो दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।